सरप्राइज दिए हमने। ओए होए जस्ट लुकिंग लाइक अ वाउ। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में खास बात यह है कि we are planning a surprise ढोलकी for our sister, मतलब आप ही के लिए हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मैं भी रेडी होने लगी हूँ ढोलकी के लिए। तो सोचा आपको अपनी लुक जो भी ढोलकी से रिलेटेड होगी वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो भाई शादी के जो फंक्शंस हैं वो तो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना कुछ टाइम पहले ही ढोलकी शोलकी लगा के थोड़ा शुगल कर लिया जाए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ अपनी लुक किस तरह का हम इंजॉय करेंगे एंड एवरीथिंग। बाकी तो डिटेल्ड वीडियो आपको मेरी सिस्टर के चैनल पर मिल ही जाएगी। सो चलते हैं और आपको सारी चीज़ें साथ साथ दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैं लग रही हूँ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाउ, और अभी थोड़ी देर में हम लोग रेडी होते हैं, यहाँ पे मेकअप शेकअप करते हैं, देखते हैं कि क्या लुक बनेगी आज। कपड़े वगैरह सिलेक्ट कर लिए हैं मैंने, कपड़े मैं आपको भी बाहर जाके दिखाती हूँ। इट्स लाइक कुछ ग्रीनिश कलर ड्रेस है और मैं आपको साथ साथ ही कहती हूँ। और मज़े की बात ये कि इसमें आप ही को फिलहाल कुछ नहीं पता कि व्हाट वी आर प्लानिंग और क्या होने वाला है। हमने सोचा यार घर में पहली ढोलकी रखते हैं क्योंकि इवेंट शुरू हो जाना है फिर, और मज़ा तो ढोलकियों में ही आता है। सो इन्जॉय करते हैं इसको। एस यू गाइस कैन सी, बाहर ना हल्का फुल्का सेटअप लग गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इनको ही फजूल में खड़ा किसने किया, इनको ऐसे बिठाए ना इसके ऊपर बैठेंगे। और आप भी फातिमा भी अंदर हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और अभी हमारे पास यहाँ पे हमने दुपट्टे वगैरह सुनने हैं, शॉल्स रखी हुई हैं। ये सारी शॉल्स रेन क्लोजेट की तरफ से हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इनकी वेबसाइट पे, सारी सारी जो है ना इनकी कलेक्शन जो शॉल्स की है दुपट्टों की है वो लग चुकी हुई, ऑन एयर हो चुकी हुई है। तो आपने अगर इनमें से कुछ ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। मैं आपको इसके डिज़ाइन जो है वो दिखा दूँगी थोड़ी देर में। और क्या अब बढ़ते हैं, तैयार होते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। यहाँ पे ना फातिमा मैडम सारी चूड़ियाँ चूड़ियाँ जोड़ गई है, पता नहीं क्या कूड़ा कचरा ऐसा लग रहा है, ज़्यादा सारा कूड़ा कचरा। बट आई एम लविंग द चूड़ियाँ ज़्यादा सारी, और मुझे अभी से ही शादी और ढोलकी वाली वाइब आ रही है। काफ़ी सारी शॉल्स जो है वो फेंकी गई हैं मेरे ही हाथों। सो मेरे कपड़े उधर लटके, मैं अपना ड्रेस लेके आती हूँ, मेकअप करते हैं एंड देन आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये वाला मैंने ड्रेस रेडी किया है, इसके साथ मैंने ये वाला गले में पहनूंगी, रिंग मैंने पहले ही पहन लिया, इसके साथ अगर ये बैग मैच हुआ तो वैसे तो हो रहा है ये पहनूंगी। शूज़ हैं उधर रखे हुए हैं, मेकअप हम बिल्कुल लाइट सटल सा करेंगे बिकॉज इनडोर इवेंट है, इवेंट भी गया इंडोर सरप्राइज है, तो हम लोग बहुत नॉर्मल नेचुरल सा रखेंगे। तो मेरा ये जो सामान है वो रेडी हो चुका है, ये शॉल है विच इज़ फ्रॉम रेन क्लोजेट, जस्ट लुकिंग लाइक जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इधर आओ जरा, तो मैं बताती हूँ अच्छी तरह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये फातिमा का ड्रेस है, नहीं नहीं अच्छा आ रही हूँ, रुक जाओ। ये हमारा जो है सारा, ये हमारे शीतर हैं, ये हम शीतर पहनेंगे, ये हमारा सारा चीज़ें आपको पहन के दिखाती हूँ, चार दफ़ा कह चुकी हूँ पहन के दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, अपना मॉइस्चराइज करूंगी फेस, फिर कंसीलर लगाऊंगी, डार्क स्पॉट्स कवर करूंगी एंड दैट्स इट, बिकॉज थोड़ा सा नेचुरल रखना है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, तो ये सारा सेटअप किया है सिर्फ और सिर्फ मैंने, इसकी आंखें देखे इधर ही आ गई हैं। ओके गाइस, तो ये महारानी आ चुकी है हमारे पास। मैं दुपट्टा देता हूं शॉल के साथ, ये मेरा अच्छा लगेगा। तुम किसके वलीमे पे जा रही हो रेड कलर की लिपस्टिक लगा के? वलीमे नहीं, मेरी बहन की ढोलकी, मम्मी आप लोग ने समोसास भेजे। ओह माय गॉड। ओके गाइस, तो ये ना मेरा थोड़ा बहुत मेकअप हो चुका है इस टाइम, लाइट मेकअप, लाइट लाइट करते करते ना मैं बहुत ही ज्यादा लाइट से बाहर निकल आई हूँ। और हमेशा हर लड़की के साथ ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार मेकअप कम करें, लेकिन कम करते करते बहुत ज्यादा मेकअप हो जाता है। और इसके साथ बाल मैं इस टाइम रख रही हूँ फुल लुकिंग लाइक अमेजिंग वाले, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बाल, डेड स्ट्रेट, एक साइड के हमें भी एक साइड के रहते हैं। और फातिमा को इस टाइम आईब्रो ब्रश चाहिए, वो अपना मेकअप करे। हम लोग इस टाइम इतना कुछ थक गए हैं ना, और बाहर आपको पता है पार्टी हो रही है, आवाज़ आ रही है, सब चीज़ें आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बाल स्ट्रेट कर रही है और अब मैं आपको अपनी फाइनल वाली ट्रांजिशन दिखाती हूँ, रेडी हो गया। सो टाटा, दिस इज माई फाइनल लुक, और ये मेरी फाइनल वाली ट्रांजिशन है। इसके बाद मैं कुछ और ना पहनूंगी, ना कोई और मेकअप करूँगी, ना कोई एक्सेसरी पहनूंगी, दिस इज माई फुल लुक। फातिमा खड़ी है इस टाइम रेडी होके। फातिमा मुझे मैट में लिपस्टिक चाहिए, मैं दे देती हूँ, प्लीज़ मेरी फुल लुक दिखा दो प्लीज़। एक सेकेंड, चलो भाई फातिमा ड्रॉप्स ऐड कर रही है कुछ फाउंडेशन के, फाउंडेशन कम लग रही है उसे। और बाहर फुल ऑन पार्टी चल चुकी है, आप ही को हमने सरप्राइज दे दिया हुआ है, मैं भी आपको जाके बाहर की सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, फातिमा की वीडियो बनने लगी है, जैनब बना रही है, आप ही और अरीफ भाई भी आए थे, वो शायद इधर उधर कहीं गए हैं, और फिर उनसे आपको मिलवा। सो गाइस, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, दिस इज माय
दी जो मैं आपको बोली थी, मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगी विच इज फ्रॉम रेन क्लोजेट। उनकी इतनी मजे मजे की शॉल्स है, अभी सबने लेनी है शॉल्स और बाकी सारी चीजें आपको साथ साथ दिखाती हूँ। इस टाइम मेरी वीडियो बनानी बेस्ट ब्लॉगर, इसकी भी फुल लुक देख लेंगे गाइस, ये कुछ ऐसी है। और मुझे बताओ सरप्राइज कैसा लगा हमारा? बेहतरीन। तुम्हें दो सरप्राइज दिए हैं हमने, एक छोटू वाला और एक बड़ू वाला। तो छोटू मोटू दोनों और अच्छे थे, मेरे छोटू मोटू बैग की तरह। दोनों सरप्राइज दिए हैं हमने। ओए होए, फातिमा अपनी वीडियो के लिए धरती हिलाते हुए हर चीज इधर से उधर कर दी है इसने। पता है फातिमा ये क्या है, पूरी आसमान इधर के बाद फातिमा नहीं कहेगी मुझे डेकोर का शौक है। और ये जैनब जो है ये रेडी हो रही है, ओ माय गॉड। और इसे थोड़ी डिफरेंट तरह की ये वाली शॉली है, वेरी जो शूज लग रही हो, प्यारी लग रही हो, लुकिंग लाइक अमेजिंग, लुकिंग लाइक अ वाओ, लाइक अ वाओ। ये देखिए जरा अपना, अपनी मस्तियों में लगी हुई है। ओके गाइस, तो ये है मेरी अम्मा की फुल लुक, ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, 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 लुकिंग लाइक अ वाओ। सबने कमेंट में यही बताना है मुझे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके गाइस, तो फातिमा ने नीचे खाने छाने का प्रबंध किया हुआ है इस टाइम। फातिमा वो शफीक है, रोटी खुल गई है शफीक अहमद वाली। तो फातिमा इस टाइम हमारे घर का शफीक अहमद बना हुआ है और हम सब बराती बने हुए। अब हम नीचे खाना खाने जा रहे हैं, अब लोग चले गए हैं यहाँ से, खाली शाली हो गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेन्यू में क्या रखा है फातिमा ने, फातिमा शफीक अहमद ने। ओके गाइस, तो अब हम लोग नीचे तशरीफ फरमा रहे हैं। गाइस, सम ब्यूटीफुल गर्ल्स नीचे आ रही हैं। फातिमा ने फुल माहौल बनाया हुआ है, बहुत नाइस। ओके okay, तो यहाँ पे हमारा जो खाना है वो रेडी है। ओ माय गॉड, माने फुल कहते हैं ना लेवल वाला माहौल है। तब मुझे भूख लग रही है, खाना शाना खा के आपको बाद में दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो जो खाना शाना है वो खाया गया है और आई एम लुकिंग लाइक अ वाओ। और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ढोलकी बजाते हैं जिस काम के लिए सरप्राइज रखा था हमने, तो लेट्स गो। खाना खाने के बाद मुझे याद है मैंने राबिया की फुल लुक नहीं दिखाई। राबिया, वेयर वेयर आर योर शूज? मेरी लुक यही है ना। ओह अच्छा, या मेरा भी यही है। ये मेरी अम्मा की शॉल हाफ लुक है और ये ज़ैनब की भी हाफ लुक है। ये देखो मेरी शॉल जो है रेड कलर से है, सो लुकिंग गुड, लुकिंग सो अमेजिंग लाइक अ वाओ। कंबल नहीं लेने, इसकी शॉल ही लेनी। ओके गाइस, हमने आप ही को सरप्राइज तो दे दिया था लेकिन भूल गए। ये सही है, ये भी सही है। चल आपको बजानी आती है? अब मेरी मामा ना टेस्ट कर करके हर चीज देख रही है। रात भी नहीं मिली, मैंने कहा यही सही है, क्या चीज टूटेगी क्या चीज नहीं टूटेगी, क्या लेके जाऊं, क्या ले निकाला है यहां पे, बोलूं दोनों ले जाए, टूट गया तो उससे कर लेंगे, ना टूटा आगे कर तो पड़ेगी, पता नहीं निकालनी पड़ेगी। मैंने वैसे ऊपर एक और परात पड़ी है। हां डन, पार्टी लग चुकी है। मेरा फोन ले आओ। दादा जी की बिल्ली है। दादा जी ना यहाँ पे किसी को गाने आते हैं ना किसी को ढोलकी बजानी आती है। यार मेरे हाथ में भी दो ना, एक मेरे हाथ में भी दो फातिमा, मम्मा आगे ले आए, चलो टन टन। वाह भाई वाह, रबिया का बाजू आगे लेके आओ, इधर रबिया का बाजू छोटा बोनी है। तुम्हें क्या हुआ है? नींद आ रही है, सुबह स्कूल है मेरा। सीरियसली, सरप्राइज था तो सरप्राइज में ऐसे छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। बुला रही है आपको, कौन बुला रहा है? Are you for real, Zainab? मुझे लगा मैंने कौन बुलाया है। मैं स्कूल में अपनी हर दोस्तों के साथ यही करती रहती हूँ, वो बुला रहे यू करके नीचे। और ना बहुत पुराना हो गया। और तुम्हें पता है, एक सेकंड, नहीं नहीं मैं बताती हूँ, Zainab वो बुला रहा है। यार कपल्स वीडियो लगा लो, बल्ले बल्ले। डांस किस पे
रखा है। आपने कमेंट में बताने का आपको मेरी लुक कैसी लगी है, ठीक है, सच सच बताना है। और इसका ट्यूटोरियल नहीं शेयर करूंगी क्योंकि इसका कोई ट्यूटोरियल है ही नहीं है, बहुत ही सिंपल नेचुरल सी लुक है। ओके गाइस, तो सारे मजाक अपनी जगह और उछल कूदने, तो अजीब सी गर्मी लगती है ना, उसका मजाक अपनी जगह। तो मैं ये जो शॉल वॉल है ये साइड पे रखने लगी हूँ। आई एम सो टाइट राइट नाउ, मुझे नहीं समझ आ रही है कि अब हम सुबह कितने बजे उठेंगे, और भी सुबह भी बहुत सारे काम थे, सरप्राइज़ के चक्कर में हमारे वो भी स्किप होंगे अब। सो देखते हैं गाइस, मैं ना यहाँ पे आपको शादी के घर का जो होता है ना कूड़ा क्रिकेट, देखें यहाँ पे ये मैस बजा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे बिखरी पड़ी हैं, गेस्ट जो हैं वो चले गए हैं, हमारा जो सारा का निज़ाम है ना वो इस टाइम दरहम भरम हुआ। ये देखिएगा मतलब ऐसे लग रहा है किसी ने ना अपसाइड डाउन कर दी है और पता नहीं क्या, ठीक है। तो या अभी हम लोग फ्रेश होते हैं, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। बाय।